दोस्तों अगर आप Amazon Flipkart पर सेल कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको आपको अच्छा मार्जिन कमाना है, आपको कंपटीशन में नहीं पड़ना है और यूनिक प्रोडक्ट सेल करना है, तो इंपोर्ट एक अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इंपोर्ट कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया इंपोर्ट करने के टाइम पे, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये मैं आपको इसीलिए वीडियो बना के बता रहा हूँ बिकॉज इस प्रॉब्लम को मैंने कहीं पे सुना नहीं था, मैंने किसी से सुना नहीं था ये भी प्रॉब्लम हो सकता है और ये एक यूनिक प्रॉब्लम था मेरे लिए बिकॉज मैंने कभी पहले इंपोर्ट नहीं किया था और मैंने सुना इसी भी लिए नहीं था क्योंकि मैंने जब इंपोर्ट करने के लिए सोचा तो मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा यूट्यूब पे जो लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी ने भी ऐसा प्रॉब्लम के बारे में बताया ही नहीं। डॉक्यूमेंटेशन तो सब लोग बताता है कि आईसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम किसी ने नहीं बताया था। तो मैंने देखा, वीडियोस देखा, उसमें बहुत सारा वीडियो ऐसा था जो नॉलेजेबल था, जेन्युइन नॉलेजेबल था, और कुछ वीडियो तो ऐसा था जिन्होंने खुद कभी इंपोर्ट किया नहीं है, बस वो वीडियो बना के नॉलेज शेयर कर रहा है। सो मैंने देखा, उसके बाद मैं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल कर रहा था दोस्तों इंडिया पे और जो मैं इंपोर्टर से ले रहा था, तो उसका जो प्राइस था, मुझे जब मैंने अलीबाबा पे देखा, बात किया, तो मुझे इंडिया की कस्टम टैक्स सब कुछ लगा के, शिपिंग कॉस्ट एवरीथिंग कैलकुलेट करने के बाद, मुझे वो आधे प्राइस में पड़ रहा था। तो मुझे सीधा सीधे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में मैंने उसको ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद दोस्तों जो मेरा प्रोडक्ट है वो फेडेक्स के थ्रू शिप हो गया। अभी इंडिया में 3 जगह है अगर आपकी प्रोडक्ट बाई एयर आ रहा है तो कस्टम क्लियरेंस करने के लिए, एक हो गया मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर। तो ये 3 एयरपोर्ट पे आपका जो कस्टम है वो क्लियरेंस होता है। तो मेरा जो गुड्स है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आया फेडेक्स के थ्रू, और जब वो दिल्ली एयरपोर्ट में आया तो फेडेक्स की तरफ से मुझे फ़ोन कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपको KYC डॉक्यूमेंट fedex.com की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो मैंने पूछा क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उन्होंने बोला आपका IC कोड जो है, GST नंबर और पैन कार्ड, ये आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, मैंने ये अपलोड कर दिया। अपलोड जब मैंने कर दिया तो 2-3 घंटे बाद मुझे मेल आता है इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट का मेल आया। तो मैंने फेडेक्स कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया और कॉल करके मुझे पता चला कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो फेडेक्स ने वेरीफाई नहीं किया क्योंकि मेरा जो एड्रेस है वो मैचिंग नहीं हो रहा है। मैंने बोला एड्रेस क्यों नहीं मैचिंग हो रहा है, तो फिर मैंने मेल किया फेडेक्स वालों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया जो फेडेक्स की KYC टीम है, और उन्होंने मुझे बताया कि सर जो आपका शिपिंग एड्रेस आपने दिया है वो अलग है और वो आपकी IC पर रजिस्टर नहीं है, तो इसलिए जो आपका वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है और कस्टम वाले आपका शिपमेंट क्लियर नहीं करेगा जब तक आप प्रॉपर IC नहीं देंगे। तो मुझे बोला कि आपको एक डिक्लेरेशन लेटर लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप बता दीजिए कैसे प्रोसेस होगा, कैसे पैटर्न में लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आपकी जो कंपनी है, कंपनी की लेटर हेड पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने, मुझे तो कंपनी का लेटर हेड मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि आप सबको पता है हम जो ऑनलाइन सेल करते हैं ई कॉमर्स पर, Amazon Flipkart, तो हमें कोई लेटर हेड ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ता बिकॉज हमारा जो इनवॉइस जनरेट होता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू हो जाता है और लेटर हेड बना के रखने की कोई मतलब फ़ायदा नहीं है पैसा वहाँ पर लगा के। तो मैंने क्या किया, आपका वार्ड में जाके अपना कंपनी का नाम लिखा, GSTIN नंबर लिखा, एड्रेस लिखा, और उन्होंने जो पैटर्न मुझे बताया था कि सब्जेक्ट में ये दीजिए और टू द कस्टम कोरियर सेल ऐसे हेडिंग के साथ आप पूरा लिखिए, उन्होंने मुझे पूरा बता के दिया था, वही मैंने बस लिखा और उसका फोटो निकाल के PDF बना के मैंने वो दोबारा KYC के सेक्शन में जाके अपलोड कर दिया, IC कोड, GST नंबर, पैन कार्ड, और इसके साथ अपलोड करने के बाद दोबारा मुझे मेल आया इनकम्प्लीट। और ये ऐसे करते करते दोस्तों 4 दिन हो गया। 4 दिन क्यों हो गया, जो मैं लेटर हेड मतलब जो मैं लिख रहा था ये प्रॉपर नहीं था, ये प्रॉपर नहीं इसीलिए था क्योंकि मेरा जो इसमें था बिल टू शिप टू मुझे लिखना है, तो मुझे तो पता नहीं है मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, वो लोग मुझे पैटर्न बता रहे हैं। और फेडेक्स वाले क्या कर रहे हैं, मान लो कि मैं फेडेक्स का एक ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, भी कॉल वो नहीं करेगा, कॉल दूसरा पर्सन करेगा, कॉल करके दूसरा वो बता रहा है मुझे कि आप ऐसे लिखिए तो जाके होगा, तो मैं वो जैसा मुझे बता रहा है मैं वैसा ही हर बार लिख रहा हूँ और सेंड कर रहा हूँ, और जो देख रहा है वो रिजेक्ट कर रहा है। फिर मैंने उनको अच्छे से बोला कि देखो अगर आप ऐसे करके टाइम वेस्ट करोगे तो इसमें मेरा जो गुड्स है वो तो फंसा हुआ है ना बाहर पे, मैं तो इसको सेल करने के लाया हूँ, तो अगर जो मुझे देख रहा है, जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, वो सीधा मुझे कॉल करके बता देना कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, वो देख रहा है फिर एक पर्सन और मुझे कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की गैप हो रहा है,
क्योंकि मुझे प्रॉपरली पता ही नहीं चल रहा है मुझे क्या लिखना पड़ा। ऐसे ही करके 5 दिन बाद जाके मुझे उन्होंने प्रॉपरली बताया, तब जाके मैंने लिखा बिल टू शिप टू का एड्रेस, और वो मैंने दिया और वो मेरा शिपमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों क्लियर होने के बाद फेडेक्स का जो एक प्रॉब्लम है, फेडेक्स में अगर फेडेक्स ही जहाँ पे डायरेक्ट सर्विस है वहाँ पे तो आपको इमीडिएटली वो 1-2 दिन के अंदर डिलीवर कर देता है। अगर आपका गुड्स का जो पिन कोड आपने दिया था वो अगर कहीं फेडेक्स की लोकेशन में नहीं आता तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लेट होता है। मुझे तो 7 दिन लग गया था, उसके बाद भी मेरे लोकेशन पे आने के बाद भी मुझे 7 दिन लग गया था गुड्स मिलने में। तो ये था पूरा प्रोसेस। और उसमें दोस्तों मुझे कोई कस्टम भी नहीं लगा था, मुझे पता नहीं है अभी मैंने जो पहली बार इंपोर्ट किया उसमें मुझे कोई कस्टम भी नहीं लगा था, उसमें मुझे कोई IGST चार्ज भी नहीं हुआ था, वो पूरा 0 अमाउंट था। पता नहीं मुझे अभी क्यों नहीं लगा, तो वो मुझे पूरा ब्लैंक था, मुझे कोई कस्टम ड्यूटी IGST कुछ भी पे नहीं करना पड़ा फर्स्ट टाइम। तो इस वीडियो से मैंने आपको यही नॉलेज देने की कोशिश किया है दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो जब आप IC कोड रजिस्टर करेंगे उसमें जो आपका एड्रेस आप देंगे ना, आपका बिजनेस रजिस्टर एड्रेस, वो सेम होना चाहिए जिस एड्रेस पे आप गुड्स मंगवा रहे हो। तो मैंने मेरे एक सिनेरियो में क्या हुआ था, मेरा शिपिंग एड्रेस मैंने एक दिया था और जो मेरा जो बिलिंग एड्रेस है वो मैंने अदर दिया था, क्योंकि मैंने शिपिंग एड्रेस इसीलिए अदर्स दिया था, उसमें फेडेक्स का सर्विस था और मेरे जो बिलिंग एड्रेस है उसमें फेडेक्स का सर्विस नहीं था, वही मेरा मिस्टेक हो गया। तो हमेशा शिपिंग आपका एक ही एड्रेस होना चाहिए जिसमें फेडेक्स का भी सर्विस हो और जो IC में भी रजिस्टर हो, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम में पड़ना हो सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट इंपोर्ट का एक्सपीरियंस मैंने बता दिया। तो दोस्तों मुझे ये बातें ना सारा मतलब ये जो प्रॉब्लम था मुझे क्लियर करना था, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे मतलब जब तक कोई काम कर रहा हो वो अगर प्रॉपर तरीके से ना कर रहा तो बस उसी के पीछे मैं पड़ा रहता हूँ, वो दिमाग भी मेरा उसी के लिए पूरा दिन मैं सोचता रहता हूँ यार क्या करूँ कैसे होता है, मैं नॉलेज गेन करता रहता हूँ। तो मुझे जब वो गुड्स मिल गया सब कुछ सही था तो मैंने इसी मंथ दूसरा उसी प्रोडक्ट का मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी ऑर्डर किया, 1000 पीसेस मैंने ऑर्डर कर दिया, वो इंडिया तक आ भी गया लेकिन वो मुझे अभी मिला नहीं। इसमें कुछ प्रॉब्लम और हो गया, इसमें देखो ये पूरा जो प्रॉब्लम है ये पूरा मिस्टेक ये फेडेक्स ने क्रिएट किया है। तो आपको पहले से ये जानकारी जानना चाहिए कि क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है और जो क्योंकि यहाँ पे बात आता है दोस्तों पैसे का, सारा खेल पैसे का होता है, तो आपका पैसा फंस ना जाए। अगर कस्टम वाले ज़्यादा चार्ज कर दे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन माइनस हो जाएगा। तो मेरे इस शिपमेंट के साथ कुछ ऐसा ही हो गया। तो मैंने सब कुछ पहले जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया था वैसे ही किया, और इस टाइम मैंने एड्रेस एक ही दिया था, जो मेरा शिपिंग एड्रेस है जो मेरा IC में है उसी एड्रेस को मैंने दिया था, ठीक है। तो मेरा गुड्स इजीली आ गया, 1 दिन में कस्टम से भी रिलीज हो गया। उसके बाद कस्टम जब रिलीज किया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी था तो मेरा प्रोडक्ट में उन्होंने आपका जो BCD है बेसिक कस्टम ड्यूटी वो लगाया 10%, और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में मेरा प्रोडक्ट है तो 18% IGST चार्ज किया है। तो जिस दिन मेरा कस्टम रिलीज हो गया मैंने फेडेक्स जो कस्टमर सपोर्ट है उनको कॉल किया, तो मैंने उनको बोला जो मेरा कस्टम क्लियरेंस का बिल है वो मुझे आप सेंड करिए, बिल ऑफ एंट्री उसका नाम होता है दोस्तों, बेसिकली बिल ऑफ एंट्री मुझे सेंड करिए। तो उन्होंने मुझे बिल ऑफ एंट्री भेजा मेरे मेल पे, तो मैंने देखा उसमें एक मिस्टेक हो गया दोस्तों, दो मिस्टेक हो गया। जो बिल ऑफ एंट्री होता है ना दोस्तों उसमें अगर आप देखेंगे उसमें एसेसेबल वैल्यू होता है, और उसमें वो वैल्यू में लिखा रहता है आपका टोटल इनवॉइस का वैल्यू सब कुछ मिला के लिखा रहता है, लेकिन वो वैल्यू में भी मेरा मैंने जब देखा कैलकुलेट किया सब कुछ तो मुझे 5000 मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है, 5000 एक्स्ट्रा। मतलब मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने ऑर्डर किया था 15000 का गुड्स ऑर्डर किया था चाइना से, 15000 के साथ मेरा एक्स्ट्रा 5000 लगा के 20000 किया, उस 20000 के ऊपर मेरा BCD लगा 10% जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, और उसके बाद ये 20000 के ऊपर मेरा IGST लगा 18%, तो जो 5000 के ऊपर नहीं लगना था वो भी लग गया। तो मेरा जो यहाँ पे कस्टम है बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST ये तो मेरा ज़्यादा लग रहा है। ये हो गया एक मिस्टेक पहली, ये फेडेक्स की वजह से हुआ। एंड दूसरा ये हुआ है दोस्तों, आप सबको पता है कि जो BCD हम पे करते हैं कस्टम पर वो हमें रिफंड नहीं मिलता है, जो IGST पे करते वो रिफंड मिलते हैं अगर हम अपनी कंपनी के नाम से गुड्स मंगवा रहे हैं तो वो IGST तभी आपको मिलेगा जब आपका जो कस्टम क्लियरेंस बिल है बिल ऑफ एंट्री उसमें आपका GST नंबर मेंशन होगा। लेकिन फेडेक्स ने क्या किया है दोस्तों, उसमें कोई GST नंबर नहीं है, उसने मेरा पर्सनल पैन कार्ड से वो गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट से क्लियर कर दिया।
फेडेक्स में मैंने जब विजिट किया था वो डॉक्यूमेंट इस बार अपलोड करने के लिए, तो उनका वो पेज ही नहीं ओपन हो रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने उसकी सेलर सपोर्ट में, कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया, कस्टमर सपोर्ट वालों ने बोला कि सर हो जाएगा, फेडेक्स वाले कर लेगा आपको कॉल। तो ऐसा करते करते मेरा जो गुड्स है वो रिलीज हो गया, ठीक है, और मेरा पर्सनल पैन कार्ड से रिलीज हो गया। तो इसमें मैंने जो IGST पे किया 18%, वो मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। तो मैंने फेडेक्स को बताया कि मेरा तो गुड्स रिलीज हो गया, तो बोला ठीक है सर हम एक कंप्लेन रेज करते हैं तो आपको कॉल आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने फेडेक्स से कॉल आया और मैंने बोला कि जो मेरा गुड्स है वो पैन कार्ड से क्यों रिलीज हुआ, मेरा तो GST से होना चाहिए था। तो उन्होंने बोला सर फेडेक्स के पास पहले से आपका डेटा था तो इसी से हो गया। तो मैंने उनको बोला पहली बार जब मेरा गुड्स आया था तो उस टाइम तो फेडेक्स वालों ने GST KYC डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो क्लियर किया था, तो इस बार पैन कार्ड से क्यों? तो उन्होंने कोई आंसर मुझे नहीं दिया। उन्होंने बोला आपका जो बिल ऑफ एंट्री अमेंडमेंट कराना पड़ेगा, अमेंडमेंट करा के ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों मुझे दोबारा वो सारा ही, मतलब देखो मैं कैसे ये फेडेक्स वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मुझे अभी एक डिक्लेरेशन लेटर लिखना पड़ेगा, उसके साथ फेडेक्स 1000 रुपये चार्ज करेगा अमेंडमेंट कराने के लिए, तब जाके मैं पैन कार्ड को रिमूव करके वहाँ पे अपना GSTI नंबर डाल पाऊंगा, जिससे मेरा IGST है वो मैं क्लेम कर पाऊंगा GST फाइलिंग करने के लिए, नहीं तो ये सारा अमाउंट मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो कभी भी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो फेडेक्स को बार बार बोलो कि मुझे KYC डॉक्यूमेंट की जगह मुझे पैन कार्ड से क्लियर कराना है, ना कि मेरे पर्सनल पैन से, क्योंकि वो लोग आपसे पैन कार्ड भी मांगेंगे, IC भी मांगेंगे और GST भी मांगेंगे, किससे करा देंगे कोई गारंटी नहीं है। पहले जब मेरे फेडेक्स से आया था गुड्स, तो उन्होंने पहली बार मुझे कॉल किया था, मुझसे पूछा था, इस बार ना तो कोई कॉल किया ना तो कोई मेल किया। प्रॉब्लम में कौन पड़ गया? मैं पड़ गया। पैसा किसका लग रहा है? मेरा लग रहा है, परेशानी मुझे झेलना पड़ रहा है। तो ऐसा है दोस्तों, फेडेक्स की सर्विस देखो, फेडेक्स की जो ट्रांसपोर्टेशन स्पीड है ना वो मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छा है, वो सही है, ठीक ठाक ही है एरिया के हिसाब से, लेकिन उनका जो पेपर वर्क है या जो सपोर्ट है वो बहुत ही घटिया है, एकदम बेकार है। तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा जो कि मैंने आपको बताया। अभी पता नहीं इसका क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी तक ये गुड्स मेरे हाथ पर आया नहीं और मैंने अभी तक डिक्लेरेशन लेटर लिख के दिया नहीं। मैंने सोचा आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर दूँ, तब जाके मैं वीडियो बनाने के बाद मैं ये डिक्लेरेशन लिखूंगा और अमेंडमेंट कराऊंगा, और इसमें भी मुझे पैसा लगेगा दोस्तों। आप देखो गलती मेरा नहीं है लेकिन मुझे भुगतान करना पड़ रहा है। सो आई होप दोस्तों मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया, मेरे जो मिस्टेक है, मेरे जो गलती है, इससे आप कुछ सीख पाएंगे जिससे आपको इंपोर्ट करने के लिए हेल्प होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे मैं ई कॉमर्स रिलेटेड आपको वीडियो बनाता हूँ, कोई भी अगर क्वेश्चन ई कॉमर्स रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।